Hello students, in this lecture we will start with right circular cone. A right circular cone is a surface generated by a line which passes through a fixed point and makes a constant angle with a fixed line through the fixed point. हमने जब कोन की डेफिनेशन की थी तब हमने कहा था कि कोन हमारा स्ट्रेट लाइन से जनरेट होगा. वो स्ट्रेट लाइन कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करती थी, आइदर इट टचेज ए गिवन कर्व और इंटरसेक्ट्स ए गिवन सरफेस और मेक्स कॉन्स्टेंट एंगल विद ए कॉन्स्टेंट लाइन. यहाँ पर जो हमारी कंडीशन थी कि हमारी जो लाइन है कॉन्स्टेंट एंगल बनाएगी फिक्स लाइन के साथ, अगर हमारी जनरेटिंग लाइन वो कंडीशन सेटिस्फाई करती है उस केस में जो हमारा कोन बनता है दैट इज़ राइट सर्कुलर कोन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने ये फिक्स पॉइंट लिया, ये आपने ले ली फिक्स लाइन, ये आपने ले ली रोटेटिंग लाइन, ये एंगल ले लिया आपने फिक्स अल्फ़ा. अब ये हमारी फिक्स लाइन है, इस लाइन को रोटेट करना है आपने, इस लाइन को आपने रोटेट करना है और ये फिक्स पॉइंट से ही पास करे, इस तरह से रोटेट करना है. ये इस फिक्स लाइन के साथ अल्फ़ा एंगल ही बनाए. आप इस लाइन को वहाँ वहाँ मूव करोगे जहाँ जहाँ इसका इस लाइन के साथ एंगल अल्फ़ा रहेगा, जहाँ जहाँ एंगल अल्फ़ा रहेगा वहाँ वहाँ ये लाइन मूव होगी और उसके लोकस से जो आपका सरफेस बनेगा दैट इज़ राइट सर्कुलर कोन. ये आपकी फिक्स पॉइंट है, ये आपकी रोटेटिंग लाइन है, ये आपकी फिक्स लाइन है. फिक्स लाइन और रोटेटिंग लाइन दोनों फिक्स पॉइंट से पास होनी चाहिए. फिक्स लाइन आपकी फिक्स रहेगी, रोटेटिंग लाइन को मूव करना है, इस तरह से मूव करना है कि ये जो एंगल रहे इन दोनों के बीच में वो अल्फ़ा ही रहे. तो उससे जो आपका सरफेस जनरेट होगा वो एक कोन होगा और उस कोन को हम कहेंगे राइट सर्कुलर कोन. और ये जो आपका फिक्स पॉइंट है उसको हम कहेंगे वर्टेक्स ऑफ कोन, फिक्स लाइन को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ कोन, और जो ये कॉन्स्टेंट एंगल है इसको हम कहेंगे सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन. तीन टर्म्स हमने यहाँ डिफाइन करी. जो ये फिक्स पॉइंट है दिस इज़ वर्टेक्स, जो ये फिक्स लाइन है इसको हम कहेंगे एक्सिस, और ये जो एंगल है फिक्स उसको हम कहेंगे सेमी वर्टिकल एंगल. इक्वेशन डिराइव करेंगे, उससे पहले एक रिजल्ट है. एवरी सेक्शन ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन बाय ए प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस इज ए सर्कल. आप किसी कोन को किसी प्लेन से कट करवाए, कट करवाने के बाद जो सेक्शन आएगा, जो इंटरसेक्शन आएगा, जो कॉमन पोर्शन आएगा वो एक सर्कल आएगा. आपने देखो ये कोन है, ये कोन लिया आपने, इसको प्लेन से कट करवाया. आप प्लेन से इस तरह भी कट करवा सकते हो, इस तरह से भी कट करवा सकते हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं. बट कट किस तरह से करवाना है, परपेंडिकुलर टू इस एक्सिस. ये हमने एक्सिस ले ली ओ ए, ये फिक्स लाइन हमारी एक्सिस रहती है, ये हमने ओ ए एक्सिस ले ली, ओ वर्टेक्स ले लिया, ये हमने प्लेन ले लिया जो उसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कट करवाया. जब भी परपेंडिकुलर कट करेंगे तब जो सेक्शन आएगा वो क्या आएगा, सर्कुलर आएगा. आप फॉर एग्जांपल आइसक्रीम कोन है, आइसक्रीम कोन को अगर आप कट करो किसी मिडल में से, आप सपोज कट कर दिया किसी प्लेन से, इंटरसेक्ट करवा दिया, तो जो आपका पोर्शन आएगा वो एक सर्कल आएगा. यहाँ भी यही कह रहे हैं, जब भी आप कट करवाओगे प्लेन से तो जो सेक्शन बनेगा वो एक सर्कल बनेगा. हम ये प्रूव करेंगे. हमने ये कोन ले लिया, ये प्लेन ले लिया, एक्सिस हमारी ओ ए ले ली. सपोज़ ये प्लेन जो कट कर रहा है वो एक्सिस पे मीट कर रहा है, ये प्लेन है, ये एक्सिस पे मीट कर रहा है एन पॉइंट पे, और ये प्लेन हमारा इस कोन पे, किसी कोन को आपने प्लेन से कट किया तो एक तो मिडल में वो इंटरसेक्ट कर रहा है जो एक्सिस वाली लाइन है, वो पॉइंट हमने एन ले लिया. जो दूसरा पॉइंट हमने लिया वो हमने पी ले लिया. पी पॉइंट कोन पे कहीं भी पॉइंट था, पूरी सरफेस है आपका कोन, आपका जो है वो रोटेटिंग जो सरफेस है उसकी, उस पे आपने कोई भी पॉइंट, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट पी ले लिया, और ये एन आपने फिक्स पॉइंट ले लिया मिडल में. नेक्स्ट, अब आपका ये जो एक्सिस है ये प्लेन से परपेंडिकुलर है. जब ये प्लेन और ये एक्सिस परपेंडिकुलर है और ये जो एन पी लाइन है ये आपकी प्लेन में लाई कर रही है, ये एन पी लाइन प्लेन में ली. जब प्लेन आपका ओ ए के परपेंडिकुलर है तो ये एन पी लाइन भी इस ओ ए के परपेंडिकुलर होगी. परपेंडिकुलर होगी तो हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया ओ एन पी. ओ एन पी में ये सेमी वर्टिकल एंगल हमारा अल्फ़ा सपोज कर लिया हमने. यहाँ से टेन अल्फ़ा की वैल्यू हमारी किसकी इक्वल आएगी, एन पी ओवर ओ एन. टेंजेंट अल्फ़ा इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस. ओ एन पी राइट ट्रायंगल में हमने
टेन अल्फ़ा फाइंड आउट कर लिया, टेन अल्फ़ा इज़ दिस, तो एन पी की वैल्यू आ गई ओ एन टेन अल्फ़ा। अब यहाँ पर देखो आपका ओ एन डिस्टेंस फिक्स है, फिक्स इसलिए है क्योंकि आपने जब प्लेन से कट करवा दिया, एन जो आपका सेंटर पे एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा था और प्लेन पे लाई कर रहा था वो पॉइंट आपने ले लिया, फिक्स कर दिया। देन जो आपका ये अल्फ़ा एंगल है, कोण आपका फिक्स है तो ये अल्फ़ा एंगल भी फिक्स होगा क्योंकि सेमी वर्टिकल, यहाँ पर ये आपका जो कोण है ये राइट सर्कुलर कोण है तो ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो फिक्स है, तो अल्फ़ा भी आपका फिक्स है। ओ एन आपका फिक्स है जब प्लेन से कट करवाया, टेन अल्फ़ा आपका फिक्स है, पी आपने कोई भी पॉइंट लिया था कोण की सरफेस पे, कोण पे आपने कोई भी पॉइंट लिया था, प्लेन आपका कोण को कट करेगा तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिलेंगे एक्सिस वाले पॉइंट को छोड़कर, बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहाँ पर प्लेन और कोण इंटरसेक्ट करेंगे, सरफेस पे हमने कोई भी पॉइंट पी ले लिया था, तो जो एन पी है वो हमारा किसके इक्वल आया, ओ एन टेन अल्फ़ा के। ओ एन भी फिक्स है, टेन अल्फ़ा भी फिक्स है, तो यहाँ से एन पी आपका फिक्स हो गया। अब पी को चेंज करते रहो, एक एन पी की वैल्यू ये आ गई, पी को आपने कोई और पॉइंट सपोज यहाँ ले लिया, पी हमने यहाँ ले लिया इस पॉइंट पे, सिमिलरली यहाँ भी ले सकते हैं कौन आपका सर यहाँ ले सकते हैं, पी को आपने कहीं भी पॉइंट ले लिया, सपोज ये ले लिया, ये पी ले लिया अब हमने, अब ये पॉइंट अब एन पी हो जाएगा, एन पी अब भी फिक्स आ गया, एन पी की वैल्यू क्या आई, ओ एन टेन अल्फ़ा, मीन्स पी आपका रोटेट कर रहा है, पी इस तरह से रोटेट कर रहा है कि एन पी कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि एन पी की जो वैल्यू आ रही है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। अब कोई पॉइंट रोटेट कर रहा है, एन पॉइंट फिक्स है, पी पॉइंट मूव कर रहा है, पी पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि एन पी आपका कॉन्स्टेंट है, तो जो उससे उसका लोकस ले तो जो उससे सरफेस बनेगी वो एक सर्कल बनेगा, आपका ये एन पॉइंट फिक्स है, ये P पॉइंट आपका मूव कर रहा है, P पॉइंट इस तरह से जा रहा है कि NP आपका फिक्स है, ये डिस्टेंस उतना ही है, तो जो इससे सर्कल वो सरफेस बनेगी वो एक सर्कल बनेगा क्योंकि ये डिस्टेंस आपके कांस्टेंट है, सो दिस डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो P आपका सर्कल में लाई करेगा, सर्कल का सेंटर N होगा और सर्कल की जो रेडियस होगी वो NP होगी और NP इज ON टेन अल्फा। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, टू शो दैट इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन एंड एक्सिस द जेड एक्सिस सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज दिस, हमें कोन की इक्वेशन निकालनी है, कोन का वर्टेक्स गिवन है, ओरिजिन है, कोन की एक्सिस गिवन है, जेड एक्सिस है, कोन का सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा गिवन है, हमें इक्वेशन निकालनी है। हमने ये कोन सपोज कर लिया, कोन का वर्टेक्स ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन, कोन का जो एंगल है सेमी वर्टिकल एंगल वो अल्फ़ा है, नेक्स्ट कोन की जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस है, ये एक्सिस हमारी जेड एक्सिस है, तीन चीज़ें आपको गिवन है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देखो कोन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमने कोन पे कोई भी पॉइंट ले लिया पी, उसके कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लिए एक्स वाई जेड, ओ पी लाइन के डायरेक्शन रेशोज आप लिख सकते हो, ओ पी लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या हो जाएगी, एक्स माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो, ये हो जाएगी। नेक्स्ट जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन को साइन 001 के प्रोपोर्शनल होते हैं, इक्वल ही होते हैं, इवन डायरेक्शन को साइन जेड एक्सिस के ये हैं, इस लाइन के आपने डायरेक्शन रेशोज निकाल लिए ओपी लाइन के क्योंकि आपको दो पॉइंट पता है उस लाइन पे, ओ और पी। नाउ अगर आपको दो लाइंस के डायरेक्शन रेशोज पता हो, उनके बीच का एंगल निकालना हो, तो कोस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, दैट इज़ ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू ओवर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर कोस अल्फा एंगल हमने लाइंस कंसीडर कर ली है, ओ जेड लाइन और ओ पी लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन, इनके बीच का एंगल अल्फा है, इसके डायरेक्शन इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज है हमारे पास एक्स वाई जेड, इसके है 001, तो एक्स इंटू जीरो डॉट प्रोडक्ट वाई इंटू जीरो जेड इंटू वन, न्यूमरेटर में ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर में इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट जीरो प्लस जीरो प्लस वन, कोस अल्फा आ गया हमारा जेड ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, सो कोस स्क्वायर अल्फा इज जेड स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कोस स्क्वायर अल्फा इज जेड स्क्वायर, कोस स्क्वायर अल्फा को राइट में ले गए, दिस विल बी सीकेंट स्क्वायर अल्फा, जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया इन दो टर्म से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर कॉमन लेके दिस इज सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस वन एंड सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस वन इज टेन स्क्वायर अल्फा,
तो ये हमारी राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन आ गई। जस्ट आपको सेमी वर्टिकल एंगल पता हो, वर्टेक्स पता हो, एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज पता हो, तीन चीज़ें पता हो तो हम कोन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अभी तो जो हमने किया वहाँ पर जेड एक्सिस गिवन थी, यहाँ पर जो एक्सिस है वो लाइन है। टू शो दैट द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज ऑरिजिन, एक्सिस ये लाइन है, एक्स बाई एल इक्वल्स टू वाई बाई एम जेड बाई एन एंड सेमी वर्टिकल एंगल। अगेन हमें यहाँ पर तीन चीज़ें गिवन है, वर्टेक्स गिवन है, सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है, एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज पता है, और ये हमें गिवन है एक्चुअल डायरेक्शन को साइंस ही है, एल एम एन जो है एक्चुअल डायरेक्शन को साइंस है। ये हमने कौन ड्रॉ कर लिया, दिस इज एक्सिस, इसकी इक्वेशन, ये हमें ओ गिवन है, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा गिवन है, हमने कौन पे कोई भी पॉइंट पी एज्यूम कर लिया। अगेन हम इस ओ पी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज लिख लेंगे, ओ पी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज एक्स माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो। ओ एन लाइन के डायरेक्शन को साइंस हमें गिवन है एल एम एन, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है तो कोस अल्फा हमारा क्या हो जाएगा एल, ये दो डायरेक्शन रेशियोज हैं, इनका प्रोडक्ट लेंगे एल इंटू एक्स, वाई इंटू एम, जेड इंटू एन, ओवर इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब जो हमारे एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है उसका सम वन होगा क्योंकि एल एम एन हमें एक्चुअल डायरेक्शन को साइंस गिवन थे, सो ये वन हो जाएगा। कोस स्क्वायर अल्फा इज स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज एल स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, ये आपकी कोन की इक्वेशन होगी। नेक्स्ट केस में यहाँ वर्टेक्स गिवन है अल्फा बीटा गामा, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा गिवन है, एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस गिवन है एल एम एन। अब यहाँ पर जस्ट चेंज क्या आया, ओरिजिन की जगह सिर्फ अल्फा बीटा गामा है, तो इस ओपी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगी, एक्स माइनस अल्फा, वाई माइनस बीटा, जेड माइनस गामा, और इसके आपको गिवन है एल एम एन, तो इनका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे कोस थीटा इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एल, वाई माइनस बीटा इंटू एम, जेड माइनस गामा इंटू एन, ओवर मैग्नीट्यूड एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर, वाई माइनस बीटा स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा स्क्वायर अंडर रूट इंटू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये डायरेक्शन को साइंस है तो यहाँ ये वन हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायरिंग कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ कोन। जस्ट आपको वर्टेक्स पता हो, एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस पता हो, सेमी वर्टिकल एंगल पता हो तो आप कोन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। जस्ट एक फॉर्मूला लगाना है आपने, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एग्जाम्पल करेंगे, लाइन्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन विद डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू 1, 2, 2, 2, 3, 6, 3, 4, 12। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन थ्रू देम एंड प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन इज दिस। हमें यहाँ सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है। हमने ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करी, लाइन्स के डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल दे रखे हैं, मीन्स डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन है। हमें डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट करने हैं एक्सिस के, और सेमी वर्टिकल एंगल भी फाइंड आउट करना है। सेमी वर्टिकल एंगल हमने अज्यूम कर लिया अल्फा, और एल एम एन हमने अज्यूम कर लिया डायरेक्शन को साइंस ऑफ एक्सिस। दो चीज़ें हमें निकालनी है, डायरेक्शन को साइंस निकालनी है एक्सिस की, और सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है। हमें ये गिवन है, हमने ये ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करी, ये ओरिजिन ले लिया, ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करी इस तरह का है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है दूसरी के तीसरी के, हमें इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। यहाँ पर ये हमने फिक्स पॉइंट ले लिए, ये एक लाइन ड्रॉ करी, ये सेकंड लाइन ड्रॉ करी, ये थर्ड लाइन ड्रॉ करी, इनके डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन है, ये हमने एक्सिस मान ली, ये हमारा कोन है, दिस इज एक्सिस। अब हमें इनके डायरेक्शन रेशियोज यहाँ गिवन है, हमें सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है और एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज कोसाइंस। अब यहाँ पर अगर हम कोस एंगल फाइंड आउट करें बाय दैट फॉर्मूला दैट वी हैव यूज्ड अबव, उस फॉर्मूले से कोस अल्फा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एल इंटू वन। अभी हम डायरेक्शन रेशियोज ये अज्यूम कर रहे हैं 1, 2, 2, और एल एम एन हम अज्यूम कर रहे हैं एक्सिस की। एक लाइन ले ली जिसकी डायरेक्शन रेशियो 1, 2, 2 ले ली, एक एक्सिस ले ली जिसकी हमने अज्यूम किए हैं एल एम एन, एंगल हमने अज्यूम किया है कोस अल्फा, सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा, तो कोस अल्फा इक्वल हो जाएगा एल इंटू वन प्लस टू इंटू एम प्लस टू इंटू एन ओवर
इसका मैग्नीट्यूड 1 + 4 + 4, और एल एम एन हमने डायरेक्शन को साइंस लिए हैं, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमारा 1 के ही इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड लाइन की हमने डायरेक्शन रेशियोज लिए 2, 3, 6, तो जो अब इनके बीच में हमने फॉर्मूला लगा दिया, ये दो लाइंस ले ली, इनके बीच का एंगल अल्फ़ा है, इसके डायरेक्शन को साइंस हम गिवन है 2, 3, 6, रेशोज गिवन है, इसके हमने एज्यूम कर लिए कोसाइंस एल एम एन, तो अगेन कोस अल्फ़ा किसके इक्वल भी होगा 2 × L + 3 × M + 6 × N ओवर अंडर रूट मैग्नीट्यूड 2, 3, 6 का 4 + 9 + 36 अंडर रूट, और जब इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो 1 ही आ जाएगा। सिमिलरली हमने अब थर्ड लाइन, जो हमें थर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशोज गिवन है, दैट इज 3, 4, 12, उसके लिए कोस अल्फ़ा लिखा, कोस अल्फ़ा इज 3 × L + 4 × M + 12 × N ओवर अंडर रूट 9 + 16 + 144, और अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आएगा, वो हमारा 1 ही हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, दिस इज एल प्लस 2M + 2N ओवर 3, एंड दिस इज 2L + 3M + 6N ओवर 7, दिस इज 3L + 4M + 12N ओवर 30, ये कॉस अल्फा के इक्वल। हम एल एम एन निकालेंगे, एल एम एन हमारे डायरेक्शन को साइंस आ जाएगी, और फिर एंगल निकालेंगे। पहले ये फर्स्ट टू मेंबर्स ले लिए, फर्स्ट टू मेंबर से हमारा एल प्लस 2M + 2N ओवर 3 इक्वल हो गया 2L + 3M + 6N ओवर 7 के। सिंप्लीफाई कर लिया, एक इक्वेशन आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया जस्ट। देन हमने सेकेंड और थर्ड मेंबर ले लिए, दिस एंड दिस, यहाँ से हमारा ये दो फ्रैक्शंस इक्वल हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। अब ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से आपको डायरेक्शन रेशोज़ निकालनी है। जब भी डायरेक्शन रेशोज़ निकालनी है, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकालोगे, कॉन्स्टेंट टर्म तो यहाँ जीरो ही है। आप जब भी सिमेट्रिकल फॉर्म फाइंड आउट करते थे किसी लाइन की दो इक्वेशंस की हेल्प से, तो आप क्या करते थे, लाइन पे कोई भी पॉइंट और डायरेक्शन रेशोज़ निकालते थे, रेशोज़ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालते थे। यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रेशोज़ निकालेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1 और 2 को, दिस इज़ एल ओवर -30 + 44, एम ओवर दिस इज़ -20 और यहाँ से +6, एन ओवर दिस इज़ 11 - 25, ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, वी कैन राइट दिस कि प्रोपोर्शनल हो गए -1, 1, 1 के, डायरेक्शन को साइंस इसके प्रोपोर्शनल है। एक्चुअल डायरेक्शन को साइंस क्या हो जाएगी, 1 / मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड इज √3, तो एक्चुअल डायरेक्शन को साइन -1/√3, 1/√3, 1/√3, ये एक्चुअल डायरेक्शन को साइंस हो गए एक्सिस की लाइन के। अब हमें कोस अल्फा निकालना है, आप एल एम एन को कहीं भी पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दे अगर हम एल एम एन की वैल्यू ओवर 3 = कोस अल्फा, दिस इज -1/√3 × 1 + 2/√3 + 2/√3 ओवर 3 = कोस अल्फा। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, दिस इज 1/√3, तो अल्फा आ गया कोस इनवर्स 1/√3। आपको अल्फा फाइंड आउट करना था सेमी वर्टिकल एंगल। नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन एंड एक्सिस इज दिस लाइन एंड विच हैज वर्टिकल एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है, तो सेमी वर्टिकल एंगल उसका हाफ हो जाएगा, सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, वर्टेक्स ओरिजिन है ये गिवन है, सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है, एक्सिस की इक्वेशन गिवन है, एक लाइन है, तो एक्सिस के डायरेक्शन रेशोज हमारे हो गए 1, 2, 3। इस लाइन पे हमने एक पॉइंट ले लिया ए, ए के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए एक्स वाई जेड, तो ओ ए के जो डायरेक्शन रेशोज हो गए वो क्या हो जाएंगे, इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने एक्स वाई जेड ले लिए, तो जो यहाँ पर ओ ए के डायरेक्शन रेशोज हो जाएंगे वो आपके x-0, y-0, z-0, ये हो जाएंगे। रिजल्ट लगा दिया अगेन वही, कोस थीटा एंगल इज थीटा, ओ ए के डायरेक्शन रेशोज आपके एक्स वाई जेड हैं, ओ पी लाइन के आपके 1, 2, 3 है, ये आपको गिवन है, तो x × 1 डॉट प्रोडक्ट y × 2 z × 3 ओवर इसका मैग्नीट्यूड 1 + 4 + 9 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अंडर रूट x² + y² + z² cos 30√3/2 वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया स्क्वायरिंग करके। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी इक्वेशन आ गई, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, यू कैन डू, दिस इज इक्वेशन ऑफ कोन।
Next is find the equation to the right circular cone whose vertex is this axis PQ makes equal angles with the axis which passes through A 1 minus 2 3. हमें यहाँ कोन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है राइट सर्कुलर कोन की जिसका वर्टेक्स गिवन है और एक्सिस के बारे में कंडीशन है एक्सिस मेक्स इक्वल एंगल विद द एक्सिस. एक्सिस हेयर मींस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. दिस इज एक्सिस ऑफ कोन और ये आपकी एक्स वाई जेड एक्सिस है उसके साथ जो आपकी कोन की एक्सिस है वो इक्वल एंगल बना रही है और हमें ये गिवन है कोन हमारा इस पॉइंट से पास कर रहा है 1 - 2 3 पॉइंट से. सबसे पहले तो हम एक्सिस के डायरेक्शन रेशोज क्या को साइन फाइंड आउट करेंगे. अब हमने कोई सपोज कर ली है हमारी एक्सिस है ये एक्सिस है पी क्यू एक्सिस ले ली. एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है. एंगल हमने सपोज कर ली अल्फा एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ बना रही है अल्फा एंगल ये वाई एक्सिस के साथ अल्फा एंगल जेड एक्सिस के साथ. अगर एंगल्स पता हो हमारी किसी लाइन के एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ तो डायरेक्शन को साइंस लिख सकते हैं. डायरेक्शन को साइंस क्या होते हैं कोस ऑफ एंगल विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस. एंगल विद एक्स एक्सिस इज अल्फा एंगल विद वाई एक्सिस इज अल्फा एंगल विद जेड एक्सिस इज अल्फा. तो जो हमारे डायरेक्शन को साइंस हो जाएगी वो कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा हो जाएगी और ये डायरेक्शन को साइंस है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाएगा. 3 कोस स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल आ गया. यहाँ से कोस अल्फा आपका आ गया 1/√3. कोस अल्फा आ गया मींस डायरेक्शन को साइंस आ गए आपके डायरेक्शन को साइंस एक्सिस के आ गए 1/√3 1/√3 1/√3. अब हम क्वेश्चन पे आते हैं. अब ये हमारी एक्सिस है इसके डायरेक्शन को साइंस है 1/√3 1/√3 1/√3. हमें वर्टेक्स गिवन है 2 - 3 5. कौन हमारा एक पॉइंट से पास कर रहा है कोई पॉइंट गिवन है 1 - 2 3 वो हमने ए मान लिया. अब यहाँ से ए पी लाइन के डायरेक्शन रेशोज हम लिख सकते हैं. ए पी लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट कर दो 2 - 1 - 3 + 2 5 - 3 2. ये हमने डायरेक्शन रेशोज ले लिए ए पी लाइन के. ए पी लाइन के हैं पी क्यू लाइन के हैं हमारे पास. एंगल हमने अल्फ़ा सपोज कर लिया तो अगेन वही रिजल्ट लगाते कि कोस अल्फ़ा इज 1 - 1√3 - 1 - 1√3 2 - 1√3 over √1 + 1 + 4 और यहाँ पर इसका स्क्वायरिंग करोगे तो ये 1 ही आ जाएगा. इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा. कोस अल्फा इज √2/3. कोस अल्फा है हमारे पास फाइंड आउट हो गया. अब हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे कोन की. कोन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कोन पे हमने कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया एक्स वाई जेड. इक्वेशन लिखनी है कोन की. अब हम पी बी लाइन के डायरेक्शन रेशोज लिख सकते हैं. इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज x - 2 y + 3 z - 5. ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज हो गए. एक्सिस के 1/√3 1/√3 1/√3 एंड कोस अल्फा. अब हमने अगेन रिजल्ट वही लगाया जो हम दो लाइंस के बीच में लगाते हैं. अब हमने इक्वेशन लिखनी है तो हमने कोन पे जनरल पॉइंट ले लिया एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड कोई भी जनरल पॉइंट है तो आपने उस लाइन की जो पी बी लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशोज लिख ली. पी क्यू लाइन की डायरेक्शन रेशोज हैं हमारे पास 1/√3 1/√3 1/√3. कोस अल्फा को हमने लिख लिया. कोस अल्फा इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज डायरेक्शन रेशोज ओवर मैग्नीट्यूड. इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया और 1/√3 इनका मैग्नीट्यूड आपका 1 ही आ जाएगा. सो यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू पुट कर ली. कोस अल्फा इज √2/3. स्क्वायरिंग कर दी. स्क्वायरिंग करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया. दिस इज इक्वेशन ऑफ कोन. फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. जस्ट आप ये ध्यान रखोगे आपको पहले एक्सिस की डायरेक्शन रेशोज निकाल को साइंस निकालनी थी तो हमने पहले एक्सिस की डायरेक्शन को साइंस निकाल ली क्योंकि वो इक्वल एंगल बना रही थी एक्सिस का. उसके बाद हमें ये गिवन है एक कोन पे पॉइंट ए बी है तो पहले हमने कोस थीटा वाला रिजल्ट इन दो पॉइंट को लेके यूज़ किया. पी ए लाइन के डायरेक्शन रेशोज निकालनी. पी क्यू के तो आपके पास ऑलरेडी है. एंगल फाइंड आउट कर लिया. एंगल फाइंड आउट हो गया. एंगल फाइंड आउट होने के बाद अब आपके पास एंगल भी है एक्सिस की डायरेक्शन को साइंस भी है पी बी लाइन की डायरेक्शन को साइंस भी है. आप वही रिजल्ट लगा सकते हैं जो हमने आर्टिकल में किया है. तो आपने इक्वेशन कोन की फाइंड आउट कर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं होल स्क्वायर ओपन करके. दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ कोन. थैंक यू.